दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। हमने आपको यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें लगातार दिखाई, हमने आपको सिंगू बॉर्डर भी दिखाया, आज हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। टीकरी बॉर्डर में ये मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मंच लगा हुआ है, यहाँ से जो किसान नेता हैं वो बाकी किसानों को संबोधित कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर ज़्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से आए हुए हैं। पंजाब और हरियाणा से आए किसानों में कई किसान ऐसे मिले जो पंजाबी में बात कर सकते थे, जिनको शायद हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उनसे जब बातचीत की गई, उनसे उनके लैंग्वेज में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वो जब तक यहाँ पर कानून, कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, वो यहीं पर डेरा जमाए रहेंगे, इससे पहले वो कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बीच एक और चीज़ हमने देखी कि पूर्व सैनिक के कुछ संगठन भी यहाँ पर शामिल थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और किस संगठन से? मैं आर्मी एक्स सर्विसमैन है और सर्वसम्मति सैनिक संगठन से हैं, और आज हम 26 जनवरी की तैयारी के लिए परेड को आए करते हुए आए हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। तो जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता हो, उस देश में किसान जो है वो सड़कों पर है और जवान भी सड़कों पर आ रहा है। जवान किसान के साथ है, अक्सर विश्वमान भाई, हम जब से किसान आंदोलन चला है, जब इनके साथ कंधे से कंधा मिला, उसके पहले हम भी किसान थे, बाद में सैनिक बने हैं, वो भी हम किसान हैं। सरकार छाती ठोक के कहती है कि वो जवानों के साथ रही है, हमेशा रही है और किसानों के साथ भी है। नहीं, वो किसी की नहीं है, ना जवानों की है ना किसानों की है। अगर जवानों की होती तो 1.5 साल का डीए नहीं काटती, संसद भवन नहीं बनाती, अपना एयर नहीं लेके आता। छोटा सा सवाल, 26 जनवरी की क्या तैयारी है, उसमें आप भी जा रहे हैं? 26 जनवरी की तैयारी है हमारी, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और 26 जनवरी को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके जाएंगे और हम उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल, तो 26 जनवरी की भी तैयारी है और 26 जनवरी को किसानों के साथ, अब जैसे कि जो पूर्व सेना के जो लोग हैं वो भी अब जुड़ते जा रहे हैं, संगठन बड़ा होता जा रहा है, तस्वीरें बड़ी होती जा रही है, संख्या बल भी बड़ा होता जा रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि ये जो पूर्व जो सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग यहाँ पर एक परेड करने वाले हैं, इनकी परेड को देखते हैं कि किस तरह से ये परेड करने जा रहे हैं। ये मंच तक, यहाँ से लेकर मंच तक परेड की जाएगी, जिस परेड में ये लोग मंच पर जाएंगे, बाकी किसान नेता जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके साथ शामिल होंगे और वहाँ से फिर मंच से फिर बाकी संबोधित करेंगे। पूर्व सैनिकों के द्वारा परेड होने जा रही है, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी से पहले ये रिहर्सल बताई जा रही है। ये पूर्व सैनिक हैं जो यहाँ पर 200 मीटर लंबी परेड करने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत और बहुत ही एक अलग नज़ारा है। इस किसान आंदोलन में हम लोगों ने क्या कुछ नहीं देखा, और ऐसी तस्वीरें देखना सच में बहुत एक अद्भुत चीज़ है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये जो पूर्व सैनिक है यहाँ पर 26 जनवरी में होने जा रही परेड से पहले एक मॉक ड्रिल की तरह दिखा रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर की रैली हुई थी वैसे यहाँ पर पूर्व सैनिक यहाँ पर परेड कर रहे हैं और परेड करके वो दिखा रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं। यहाँ पर जवान किसानों के समर्थन में आ गए हैं, ये सभी पूर्व सैनिक हैं जो यहाँ पर 200 मीटर लंबी परेड करके दिखा रहे हैं, वो चीज़ करके दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ 26 जनवरी को देखने को मिलेगा, ऐसे ही कुछ नज़ारे 26 जनवरी की परेड में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है, जो जवान है, वो किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं और परेड के रूप में वो दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से इस पूरे आंदोलन में जवानों के साथ हैं। ये मंच है जहाँ से लोग इनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हाथ जोड़कर इनका स्वागत कर रहे हैं। पूर्व सैनिक और किसान एक साथ एक मंच की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पर पूर्व सैनिक और किसान भी हाथ जोड़कर सलाम देकर उनको सलामी दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि पूर्व सैनिक भी सब सलामी देते हुए यहाँ पर किसानों के समर्थन में किस तरह से अपने आप को बता रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं। इस लड़ाई में किसान अकेला नहीं है, यहाँ पर जवान भी किसानों के साथ आकर खड़े हैं।
तो 26 जनवरी को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं? यूपी गेट से तस्वीरें दिखाई गई, अब हम टीकरी बॉर्डर पर आए। यहां पर हमने एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा। यहां पर पूर्व सैनिक यहां पर किसानों के समर्थन में थे। मंच में आप जिस तरह से देख सकते हैं जवान और किसान की जुगलबंदी। अब इस जुगलबंदी के आगे सरकार घुटने टेकती है या नहीं, बैकफुट पर आती है नहीं, ये देखना अहम हो जाता है। लेकिन 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, हमने ट्रैक्टर रैली को देखा, आपने ट्रैक्टर रैली को देखा किस तरीके से ट्रैक्टर के हज़ारों का हुजूम वहां पर खड़ा कर दिया गया, वैसा ही कुछ आज 200 मीटर क्या जो यहां पर मार्च पास की गई पूर्व सैनिकों के द्वारा, वो अपने आप में एक अद्भुत था, अकल्पनीय था और अविस्मरणीय था। कैमरामैन सरताज के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मैं काविन चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।